हमें सबको अपने आप को अवेयर रखना है, अलर्ट रहना है कि कोई ना कोई गलत हिंसा ना हो, इसका हम सबको एक प्रिकॉशन लेना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। योगा और यूथ आइकॉन का कुछ काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी मिले, यूथ के लोग भी मिले। एक्सपीरियंस और यूथ जब मिल जाता है तो एक इनोवेशन एक अलग टाइप का होता है, तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो ये काम लेके चल रहे हो, इसके पीछे जो ह्यूमैनिटी का काम है, उसके साथ में हम हमेशा जुड़े हुए। विश देम ऑल द बेस्ट। सर, एक्सपीरियंस किस तरह का रहा यहाँ पर लोगों से मुलाकात करने? बच्चे भी यहाँ पर शामिल थे? यहाँ बच्चे भी थे, यूथ भी था, रिसाइकल्ड यूथ भी था और एक्सपीरियंस लोग भी थे, तो मिक्सचर ऑफ एवरीबडी, पूरा ह्यूमन ह्यूमैनिटी यहाँ थी और ह्यूमैनिटी के साथ में हम हमेशा जुड़े हुए। थैंक यू। मैं शिवाजी को और गणेश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम उन्होंने किया और मेरे बिहाफ पे मेरा बेटा आज यूथ आइकॉन भी बोलेगा जो भी बोलना है। बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे ये अवार्ड मिला है और ऐसे इवेंट्स करते रहना चाहिए उनको और ह्यूमैनिटी फैला रहे और फैलाते रहना चाहिए उनको। तो बस मुबारकबाद देना चाहूँगा शिवाजी को, गणेश जी को, कि अच्छा इवेंट रहा, एवरीथिंग वॉज गुड एंड बहुत अच्छा एटमोसफेयर रहा और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई जो कौम के काम करना, जो ह्यूमैनिटी का काम करना चाहते। तो हम तो फील्ड से आते ह्यूमैनिटी के, तो हमें जहाँ भी ह्यूमैनिटी की बात होती है और ह्यूमैनिटी का प्रोग्राम्स होता है, हमें जाने हम पसंद है। थैंक यू, थैंक यू सर। आपको बेटा है सर, देखिए सबसे पहला तो मैं शिवा को और गणेश को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे, एक अच्छे मेरे फ्रेंड है और जिन्होंने मेरा नाम यहाँ पर सिलेक्शन करके और मुझे अवार्ड दिया। और साथ ही साथ में मेरे गुरु हैं राज काले सर, इनका आशीर्वाद था इसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। और मेरे काफ़ी लोग यहाँ पर जो मेरे गुरु, जैसे अभिजीत राणे सर हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग आए, लेकिन मैं जो गुरु है उनका ही नाम लेना चाहता हूँ। मेरे सलामत भाई भी हैं यहाँ पर, वो भी अभी आए, लेकिन और बस आप लोगों का प्यार मिलता है और देखो मेहनत करते तो फल तो मिलना चाहिए। मेरे सर मुझे बताते कि फल की चिंता मत करो, लेकिन सर फल मिल ही जाता है। तो थैंक यू राज काले सर और शिवा और गणेश जी को, थैंक यू। नेक्स्ट एक्चुअली मेरा प्लान हो चुका है, मैं एक दो या चार दिन में फिर यही अपने मीडिया को बुला के एक अनाउंसमेंट करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट मेरे राज काले सर के साथ में भी है, लेकिन उन्होंने उसका अनाउंसमेंट वो करेंगे नहीं, लेकिन मैं करवाऊंगा बाद में। तो दो प्रोजेक्ट सर के साथ में और एक प्रोजेक्ट सर के आशीर्वाद से ही हो रहा है मेरा। मैं चार दिन में आपको सबको बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है जो जो अवार्ड मुझे मिला, उससे मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ जो आज मुझे ये अवार्ड मिला। मैं 15 साल से इस फील्ड में गा रही हूँ वॉइस ऑफ लता की आवाज़ में, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि बता नहीं सकती मेरी खुशी। उन्होंने भी मुझे जो आज जो अवार्ड के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद। और मंगेश जी ने भी मुझे, थैंक यू सो मच राज काले सर जी, ये मेरे गुरु हैं। और थैंक यू सो मच शिवाजी, गणेश जी, आज मुझे यूथ आइकॉन अवार्ड मिला 2024 का। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने ऑल ओवर इंडिया में मैं के एस शेयर मार्केट एकेडमी के माध्यम से 1,00,000 से अधिक छात्रों को शेयर बाज़ार का ज्ञान सिखाया है। ये अपने इंडिया की सभी कृपा है और जो मेरे सर पर जो दुआएं हैं, जो मेरे गुरु हैं, ये सभी गुरु की मेरी छाया है। इसी के लिए मैं हर एक कदम जीतने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और जीतने के लिए मुझे सपोर्ट दे रहे मेरे जो गुरुजन वर्ग है, सोशल मीडिया के लोग हैं, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपके लिए अवार्ड क्या मायने है, आप किस लिए अवार्ड? अवार्ड से हमेशा हौसला बढ़ता है और मैं धन्यवाद दूंगा शिवा शेख और गणेश जी को, जिन्होंने यूथ आइकॉन 2024 का आयोजन किया। समाज के अलग अलग क्षेत्र के लोगों के अचीवमेंट को उन्होंने यहाँ पर सराहा, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं खास करके मेरे दोस्त बोलो, मेरे स्टूडेंट बोलो, उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, जैसे कलीम शेख जी को मिला, रीना जाधव, योगेश मोरे जी, विलास कानस्कर जी, शैलेश पटेल जी, हम सबको अवार्ड से कुछ नया करने की उम्मीद जाग जाती है। बहुत जल्दी हम नए प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस करने वाले हैं जो कि अफलातुन रहेंगे। और आप मीडिया, वाकई में आपके भी पेशेंस को मैं दाद दूंगा, तो थैंक यू सो मच।
धन्यवाद। मेरे बारे में सर, आप गूगल के ऊपर राज काले डालेंगे तो पता चलेगा मेरा इंस्टीट्यूट है, और पिछले 27 सालों से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे भारत में हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से ट्रेन होकर चले हैं। हमारे SBI, एक्सिस बैंक और बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां हमारे क्लाइंट है और कर रहे हैं। बस ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल के ऊपर राज काले डालिए, आप हमारी जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। को अंदर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता और सूरज की चमक सबके चेहरों पर एक रोशनी बिखेरती है। आज हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है, न केवल स्कूलें बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, मानव सेवा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो अछूता रह गया है। हमारे साथ है आदरणीय उत्तम जी बाफना। उन्होंने अपने जीवन में जितनी सेवा की है, आप अनगिनत जितने दिन उन्होंने नहीं जिए उससे ज़्यादा उनके हाथ सेवा के चंदन से महके हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आप कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और जो कर रहे हैं यहाँ पे बोलिए। मुझे अच्छा लगा कि मैं बहुत अच्छा लगा है आप एक सब देख के करके, मैंने जी ने भी अच्छा किया है, अवॉर्ड शो किया है, बहुत अच्छा लगा है। और मेरी बहुत सारी अभी एक सीरियल चल रही थी, वेब सीरीज आई है, मूवी आ रही है, और मैं सबसे ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ माई बेस्ट फ्रेंड शिवा शेख एंड गणेश जी साहू जी को, जिन्होंने ये अवार्ड किया है। और इतने सारे हमारे बॉलीवुड के जितने एक्ट्रेस, एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, सबको उन्होंने इकट्ठा किया है, एकजुट किया है, क्योंकि हर लोग बिजी रहते हैं अपने अपने वर्क में। यही एक मौका है कि गणेश और शिवा जी ने सबको एक साथ जुड़े हैं और ये अवार्ड से सम्मानित किया उन्होंने। मैं दिल से चाहती हूँ शिवा और गणेश जी को कि और आगे बढ़ें और तरक्की करें और इससे बड़े बड़े अवार्ड शो करें, और दिल से मेरा यही थैंक यू है शिवा शेख को और गणेश साहू जी को जिन्होंने अवार्ड कराया और मुझे यूथ आइकॉनिक अवार्ड मिला है। तो मैं थैंक यू दिल से बोलती हूँ शिवा जी को, जितना भी बोलूँ वो कम है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी दिल से उनको थैंक यू। आगे बढ़े और आगे काम करे, एक अच्छी अभिनेत्री है, मीडिया भी है, वो बहुत लोगों का हेल्प भी करती हैं शिवा गणेश जी। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही अवार्ड करे, सब लोगों के जुड़े, और मैं जो जो न्यू न्यू प्रोजेक्ट मेरी आ रही है उनका भी नाम रिपील नहीं करूँगी, बट जिनको देखना है अभी कुछ वेब सीरीज यूट्यूब पर आ गई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं भूमि और टीवी सीरियल पे, और मेरे एक सीरियल भी चल रही है जी फाइव पे स्टार पे, एक कुड़ी पंजाब दी, वहाँ भी आप लोग मुझे देखें। थैंक यू सो मच, मुझे प्यार करते रहे और मुझे आगे बढ़ाते रहे। ये साइलेंस सर भी बहुत अच्छे हैं और हर लोगों को जुड़ना चाहते हैं। हमारे गणेश साहू जी अभी इधर जा रहे हैं, कम यार इधर 1 मिनट के लिए। जो हमारे गणेश जी इतने बड़े अवार्ड शो किए हैं और सारे लोगों को सम्मानित किए हैं, दिल से थैंक यू गणेश जी। आप और इससे बड़ा अवार्ड शो करें, सारे लोगों को जुड़े और इतना सहयोग करते हैं, दिल से थैंक यू। हाँ जी, और शैलेश जी सर को आप कुछ बोलिए। थैंक यू गणेश जी, राज सर, शैलेश सर और शिवा मैडम जी, जिन्होंने ये अवार्ड का ऑर्गेनाइजेशन किया है। नए नए उभरते सितारे, हर किसी का सम्मान नहीं होता है, मैं खुशनसीब हूँ जिसका सम्मान हो रहा है, बार बार हो रहा है। इसके लिए दशैलेश जी का और राज सर का और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मेरा जो क्षेत्र है वो एक शिक्षक का क्षेत्र है, मैं डिजिटल एसेट्स मतलब क्रिप्टो का एजुकेशन देता हूँ, और ये क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है ये आने वाले समय में पूरी दुनिया को बदलने वाली है, और उसमें अर्ली जो पहले आएगा वो ज़्यादा पाएगा, वो मतलब कुदरत का नियम है। तो ये इंडस्ट्री में मैं एजुकेट करता हूँ लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं एजुकेट कर चुका हूँ, और उसके लिए मुझे बार बार एक अच्छा सम्मान मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा अभी नेक्स्ट इवेंट आने वाला है प्रियंका चोपड़ा के बाद, अभी मैंने रिसेंटली मलाइका के साथ किया है, अभी मेरा 20 सितंबर को मैं प्रियंका के साथ करूँ।
वेरी हैप्पी अगेन वी हैव वन मोर अवार्ड फॉर सौरभ एंटरटेनमेंट फॉर अवर कंपनी एंड एज आई एम अ सीईओ ऑफ द कंपनी एंड ही इज द एमडी ऑफ द पर्सन लाइक वी आर वेरी हैप्पी टू बी हैव दिस बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क विद द शोज और विदाउट हार्ड वर्क इट्स वेरी डिफिकल्ट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क दैट पीपल कांट डू द थिंग्स लाइक यू नो एंड शिवा मीडिया वर्क दिस इज द सेकेंड अवार्ड शो दे हैड डन फॉर शी हैज लॉन्च बिफोर यू म्यूजिक एल्बम and actually I was not there but Saurabh was there and he is very happy and he told me about that she has done very good work and she is working very hard for her events and all and this is the first platform she is working as an this you know beauty pageant and she is very happy also I can see around 5 to 6 times she must be with me and she was just talking about really feeling so good grateful for all this and really thank you and even she has given me one more gift also I am very happy to show this thing also like you know कहीं पर आना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट इफ वी गेट समथिंग स्पेशल फ्रॉम समवन दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर शिवा मीडिया वर्क्स गणेश जी एंड ऑल और मैं यही चाहूँगी कि ये लोग इसी तरीके से सक्सेस रहें हम लोग भी आगे इन्हीं के साथ इसी तरीके से काम करते रहें एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू ऑल मीडिया पीपल थैंक यू सो मच एंड सी अवर लोगो ऑल्सो सौरभ एंटरटेनमेंट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस प्लीज ग्लैड अस टू बी हैव थैंक यू एंड वी आर गिव बिग क्लैप फ्रॉम योर साइड ऑल्सो Can I start? Yes. Yeah. Hello, myself Preeti Singh. I'm an artist and model. Hi. I've been working from 10 years as an artist and model. I'm very much happy for this award and Shiva invited me here and Saurabh Entertainment. So I'm very much happy for this. I've done many serials. पवित्र बंधन ये है मोहब्बत सब एपिसोड सावधान इंडिया एंड मैनी मूवी सुपर मॉडल एज ए करेक्टर मैनी वीडियो एल्बम प्रिंट एड्स सो मैनी वर्क्स आई हैव डन बट थैंक यू सो मच थैंक यू वास्तु एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर एंड वास्तु लास्ट 14 ईयर्स से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ 7000 प्लस मेरे क्लाइंट रही हूँ यदि आप लोग कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं 9752488088 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया सर आप काफ़ी सारे काम करते हो समाज सेवक भी करते हो किस लिए आपको अवार्ड मिला मेरा ये अवार्ड तो मुझे ये भी मिला है और मेरे गानों के लिए भी मिला है थैंक यू वेरी मच शिवा जी का शिवा मीडिया आर्ट का कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके आने वाले आपको कुछ जो बोले पिक्चर से भी कर रहे हैं आप जी पिक्चर से भी कर रहे हो काम हूँ आप नहीं वेब सीरीज कर रहा हूँ मेरे और 11 गाने आ रहे हैं 15 अगस्त को भी हमारा गाना आ रहा है तो बस जो गाना जो पहले के गानों को आप लोगों ने प्यार दिया वही प्यार दीजिए और कोई भी प्रॉब्लम रहे लीगली तो आप हमारे पास आइए और जितने यूथ आइकॉन अवार्ड मिला है तो यूथ को बोलूँगा ड्रग्स से दूर रहिए नशे से दूर रहिए और एकता बनाए रखिए आपस में प्यार बनाए 15 अगस्त को मैसेज सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और देश की आज़ादी का दिन है झंडे लहराइए पर उस झंडे की इज्जत करिए इवेंट खत्म होने के बाद में उसको सही तरह से फोल्ड करके अपनी जेबों में रखिए लोगों में मिठाई बांटिए गिफ्ट बांटिए और गरीबों की मदद करिए थैंक यू सो मच फीचर फिल्म आई थी रोमांटिक टुकड़े उसमें मैंने मेन नेगेटिव रोल किया था उसके लिए मुझे यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया मैं पूरी टीम को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है सम्मानित किया है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रकवि राम भारत सिंह दिनकर की धरती बेगूसराय से ताल्लुकात रखता हूँ उन्होंने लिखा है सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज होते कांटों में राह बनाते हैं पिघलों को गले लगाते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच सर कुछ और बोलना चाहेंगे आप बहुत उम्मीदें हैं आने वाले समय में और मैं शिवा जी और गणेश जी थैंक यू
थैंक यू सो मच. थैंक यू मॉडल ये शो का मैं कोरियोग्राफर था. ये कोरियोग्राफर मैंने किया था. आप लोगों ने देखा इसे. थैंक यू और मुझे दादा साहब फाल्के का मुझे अवार्ड मिल चुका है और मैंने काफ़ी सारी मूवीज में काम कर चुकी हूँ और दो तीन एल्बम सॉन्ग में भी मैंने काम किया है. थैंक यू शिवा मैम. थैंक यू फॉर लवली अवार्ड. बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये इंदौर का. मुझे गर्व है कि हम लोग इंदौर से आए. आइकॉन जो अवार्ड है यूथ के लिए है, ये अवार्ड तो बहुत सारे होता है पर इस तरह का डिफरेंट अवार्ड जो मिला है, जो मेहनत करेगा उसे फल पाएगा. इस तरह का अवार्ड जो गणेश जी शिवाजी जो कर रहे हैं प्रोग्राम, क्या बोलना चाहते हैं? तो आपको यहाँ आकर के इन लोग प्रोजेक्ट होकर कैसे प्रेजेंट होकर कैसे लग रहे हैं साथ मिलकर? कैसे लग रहा है गणेश जी शिवाजी के साथ मिलकर काम करके? कुछ एडवाइस देना चाहें आप उनको? कुछ ये गणेश जी आप क्या बोलना चाहते हैं? इतने सुपर लेजेंड आए हैं. खुश हूँ मैम के फर्स्ट डे जब से मिला हूँ तब से मैं मैम का फैन हुई और प्लस मैम आई मेरे शो में तो चार चांद लग गया. आप लोग देखे कि हमारे शो का क्या था और उन शो के बारे में मैम को बता सकते हैं. कुछ टिप्स देना चाहें युवा पीढ़ी के लिए? आप युवा पीढ़ी के 15 अगस्त भी आ रहा है अभी, कुछ आप बोलना चाहें 15 अगस्त के लिए? कुछ टिप्स कुछ देशभक्तों के लिए, आर्मियों के लिए कुछ आप देना ना चाहें तो? जितना बोले काम है वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे दो शब्द कुछ भी नहीं है. तो शिवाजी आप क्या बोलना चाहते हैं? मैम आई है, लेजेंड मैम आई है यूथ आइकॉन अवार्ड में. सबसे पहले आप सभी का नमस्कार. आप लोग यहाँ पे आए और आप लोग इतना अच्छा करते हो. आप सभी लोग मदद करते हो लोगों को और मैम कितने अवार्ड दिए और किस किस प्रकार के अवार्ड था ये? सर ये अवार्ड यूथ आइकॉन इंडियन अवार्ड का सीजन 2 था और स्पेशल सुपर मॉडल जो मैंने फर्स्ट ईयर वो कराया था और ये मेरा फर्स्ट ईयर था और सेकंड मेरा यूथ आइकॉन. सर आप कुछ बोलना चाहें? कितना आप टोटल अवार्ड आपने बंटवाए, आपने कैसे सिलेक्शन हुआ आपने किया? अवार्ड 80 अवार्ड बांटे जिसमें 15-20 हमारे मॉडल्स थे जिनके मैडम के हाथ से सबको सम्मानित किया गया, ट्रॉफी बनाया गया जिसमें एक बीन भी हुए और एक सभी मंडप पाए और बाकी यूथ आइकन जो यूथ के जो लोग काम कर रहे हैं हर फील्ड के लोग आए थे जो लोगों को सम्मानित किया. प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छे की हो गया सक्सेसफुल और आने वाला कुछ आपका कोई पिटारा में है और आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ बताएं तो? आने वाला पिटारा जैसे मैम है, अगर मैम लोग का सपोर्ट रहा तो अक्टूबर नवंबर में हम लोग दुबई में जा रहे हैं एक शो करने के लिए और उसके बाद एक हमारी मूवी भी हमारी कंपनी एक मूवी भी दुबई में शो होने के बाद हम लोग और मूवी का भी मैम रहेंगे इस पिक्चर में. मैम हम तो अप्रोच करेंगे बाकी मैम की मर्जी है. मैंने क्या बोला कि मैम की अगर मेहरबानी होगी और मैम हमें सपोर्ट करेंगे तो सारी चीजें हम लोग आगे करने की प्लानिंग कर रहे हैं. मैम अगर आपको साइन करना चाहें आपके साथ काम करना चाहें तो आप मौका दोगे युवा पीढ़ी को? डिपेंड करता है किस तरह का मूवी के आप इंतजार कर किस तरह मूवी करना चाहते हैं आप? मतलब अच्छी की जरूरत है मतलब किस तरह का एक्शन मूवी रोमांटिक एंड आखिर में क्या बोलना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ आखिरी में अवार्ड शो के लिए. बहुत अच्छा लगा और होता रहना चाहिए सारा शो. मंदाकिनी में इस तरीके का प्लेटफॉर्म जो पहले नहीं हुआ करता था लोगों को मिल रहा है तो ये कितना बेनिफिट है आने वाले जनरेशन के लिए? ये तो बहुत मुश्किल है. मैं तो जवाब नहीं दे पाऊँगी इसका क्योंकि कितने लोग बेनिफिट करेंगे या नहीं करेंगे तो हमें भी नहीं पता, बोल ही नहीं सकते इसके बारे में. थैंक यू. पर कोशिश है, उन्होंने कोशिश करी है, उन्होंने भी कोशिश करी है. आगे क्या होगा? थैंक यू मैम. एक छोटा सेकंड. हाँ जी एक छोटा सेकंड.